गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, आज हम अपनी चैप्टर नंबर 3 की सेकेंड वीडियो करेंगे। अभी तक हमने सब्ट्रैक्ट किया था जिसमें कैरी नहीं थे, राइट? सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया था। और हमने क्या सीखा था, 3 में से 0 गए, अगर किसी भी नंबर में से 0 जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है? और अगर किसी भी नंबर में से आप वही नंबर माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? अगर 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0, 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0, और अगर किसी नंबर में से 0 माइनस करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। अगर 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4, ठीक है? अब हम यहाँ पर करेंगे कैरी वाले सम। क्या होंगे? कैरी वाले सम। देखो कैरी वाले सम्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये वाला सम है, इसमें क्या है, नीचे तो 5 दिया है और ऊपर क्या दिया है, 4। तो क्या 5 में से 4 जा सकते हैं? अगर आपके पास 4 चॉकलेट है तो आप क्या किसी को 5 चॉकलेट्स दे सकते हो? नहीं दे सकते, ठीक है? और अगर आपके पापा बोले नहीं बेटा आपको 5 ही चॉकलेट देनी है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, राइट? मार्केट में जाओगे और शॉप से और चॉकलेट खरीदोगे, तब किसी और को दोगे, ठीक है? तो ऐसे ही नंबर्स के साथ भी होता है, जब इनके पास खुद अपना नंबर एक्स्ट्रा नहीं होता, जब इनके पास खुद छोटा नंबर होता है और इनको ज्यादा नंबर में से माइनस करना होता है, तो ये इधर से कैरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैरी, ठीक है? कैरी ले लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये क्वेश्चन देखो, यहां पर देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 57 में से आपको 91 माइनस करना है, ठीक है? अब देखो क्या 7 ऊपर है, 7 में से 9 जा सकता है, 7 में से 9 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मेरे पास 7 टॉफीज है तो मैं 9 कैसे माइनस करूंगी? तो हम क्या करेंगे, टेंस वाली जो डिजिट है यहां से कैरी ले लेंगे, ठीक है? क्या ले लेंगे, कैरी। तो ये तो हो जाएगा 4, ठीक है? ये तो 4 हो जाएगा, एक नंबर अगर ये किसी को दे देगा, मगर यहां पर जाके क्या बन जाता है, 17 बनेगा, ना कि 8। 8 कभी भी नहीं बनता, ये हमेशा क्या बनता है, जो भी डिजिट है उसके आगे 1 लगा देता है, ठीक है? 1 लगा देता है, क्या लगा देता है, 1। तो ये क्या बन जाता है, 17। क्या बन जाता है, 17। अब 17 में से क्या 9 जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। 9 में से 17 गए तो कितना आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया, ठीक है? तो 8 हम यहां पर लिखेंगे, और 4 बच गया था यहां पे, तो 4 में से बन गए 3, ठीक है बेटा? कैरी कैसे काम करता है, अब देखो कि यहां पर 10 क्यों आया, यहां पर 8 क्यों नहीं आया, ये कैसे देखेंगे। देखो जब 10 वंस मिलते हैं ना, 10 वंस, यानी ये है टेंस प्लेस और ये है वंस प्लेस। जब यहां पर आप 10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 यहां रह जाएगा, 1 यहां पर आ जाएगा। यानी जब भी 10 हो जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जितनी भी बार आपके पास 10 चॉकलेट हो, आप एक अपनी बड़ी सिस्टर को दे दोगे, ठीक है? तो ऐसे ही ये क्या करता है, वंस हमेशा, अगर 1 से लेकर 9 तक नंबर है तो यहीं रहेंगे, और जैसे ही 10 नंबर बनेगा तो ये इधर आ जाता है टेंस प्लेस में, ठीक है? टेंस प्लेस में आ जाता है। ऐसे ही जब ये वापस करता है तो ये हमेशा 10 वापस करता है। इन्होंने 10 वापस करे और इसमें 7 पहले से थे, तो ये क्या बन गया, 17। क्या बन गया, 17। ये हमेशा 10 वापस करता है, ठीक है? क्योंकि 1 टेंस मतलब क्या होता है, 10 वंस, ठीक है? तो हमेशा क्या होता है, डिजिट के आगे 1 लग जाता है। अभी इसके लिए बस ये समझो कि डिजिट के आगे 1 लग जाता है, उसमें प्लस नहीं होता, डिजिट के आगे 1 लगता है वो, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं 56 है और इसमें से आपको 7 माइनस करने हैं, ठीक है, तो 6 में 7 नहीं जा सकते, फिर ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा। तो ये तो 6 तो पीछे है, मैंने क्या बोला, डिजिट के आगे 1 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिजिट के आगे 1। और ये 5 में से 1 गया तो कितना रह गया, 4। तो 16 में से 7 गए, आप अपना आंसर यहां लिखोगे, कितने बचे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने बच गए, 9। और यहां 4 में से 0 गए तो 4, ठीक है? कैरी वाले सम ऐसे करने, यानी एक इधर से कैरी आएगा, ठीक है, एक इधर से कैरी आएगा, ठीक है बेटा? ऐसे ही आपको यहां पर कैरी वाले सम करने हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, जो बुक में दिए हुए हैं ऐसे कैरी वाले सम करने हैं। कैसे करते हैं हम ये, देखो ये 1 है, क्या 1 में से 2 जा सकते हैं, नहीं, तो ये कैरी लेगा, ये पीछे आ गए, इसके आगे 1 आ गया, और ये क्या बची है, 4। 11 में से 2 गए, 9, और 4 में से 3 गए, 1, ठीक है बेटा? ऐसे कैरी वाले सम जो है ये आपको करने हैं, ठीक है? अब यहां पर देखो 14 में 4 में से 7 जा सकते हैं, नहीं, तो ये इससे बोलेगा कि मेरे को एक कैरी दे दो, और ये क्या बन जाएगा, यहां पर 14 बन जाएगा, और यहां पर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है? यहां पर क्या रह जाएगा, 5।
तो 7 में से 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है बेटा, ऐसे आपको ये कैरी वाले क्वेश्चन जो है अभी के लिए बुक में करने हैं, कहीं और नहीं करने, बुक में करने हैं, कॉपी में कुछ भी नहीं करना। ठीक है।